दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक कमाल का ऐप लेके आया हूँ, जिस ऐप का आप यूज करके महीने का कम से कम 30 से 40 रुपए अर्निंग कर सकते हैं और इजीली अर्निंग कर लेंगे। मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कैसे अर्न करना है और क्या ऐप है, कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगा, वो सारा डिटेल आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि अर्निंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आता रहता है। दोस्तों हम चलाएंगे प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च करना है बैंक साथी ऐप, और किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसका रेटिंग चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेटिंग से ही हमें पता चलता है लोगों को ऐप कैसा पसंद आ रहा है, ऐप से कुछ अर्निंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, मैंने रेटिंग चेक किया तो रेटिंग मुझे काफी अच्छा लगा, यानी कि सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हैं। तो सब लोग अर्निंग कर रहे हैं तो चलो हम भी पता करते हैं कि कैसे अर्न करेंगे और कितना अर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड, उसका दम कर लेंगे इसको इंस्टॉल। इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज पूछेगा सबसे पहले कि लैंग्वेज कौन सा चूज करना, वो लैंग्वेज चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोमो टेक्स्ट आएगा, उसको स्किप कर देंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देके ओटीपी आएगा, ओटीपी से एक्टिवेट कर लेंगे यानी सबमिट कर देंगे। उसको तो कुछ बेसिक से यहाँ पे पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा, जैसे आधार नंबर वगैरह हो गया, आधार नंबर से रिलेटेड जो मोबाइल नंबर है उसमें ओटीपी आएगा केवाईसी के लिए, वो सारा प्रोसेस करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड में यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे डिटेल आएगा, उसके बाद आपका जो बैलेंस अभी वो दिखाएगा, यहाँ पे अर्निंग आपका दिखाएगा। मैं अभी इसमें अकाउंट बनाया तो यहाँ पे कुछ भी अर्निंग नहीं दिखा रहा। यहाँ पे देखेंगे चेक क्रेडिट स्कोर भी चेक कर सकते हैं, लाइव ट्रेनिंग। सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि और भी ऐप अर्निंग करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रेनिंग नहीं देगा अच्छे से, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो यहाँ पे लाइव ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे, लाइव ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे जब तो यहाँ पे देखेंगे हाउ टू अर्न RS 1 लाख मंथली, 1 लाख मंथली कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इनरोल करेंगे। इनरोल करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारा डिटेल सिखाया जाएगा। इनरोल हो गया, अब यहाँ पे 5 टिप्स टू सेल क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे आपको टिप्स दिया जाएगा, यानी क्रेडिट कार्ड सेल करना, अकाउंट ओपन करवाना, ये सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसका दोस्तों ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं इजीली, प्रोसेस बहुत ही इजी है। जी हाँ, आप देखते जाइए आपको पता चलता जाएगा। उसका दोस्तों यहाँ पे देखेंगे गारंटीड अर्निंग, यहाँ पे देखेंगे यानी कि आपका गारंटी अर्निंग होगा ही इस ऐप के जरिए। अगर कोटक 8/1 सेविंग अकाउंट किसी का खुलवाते हैं तो आपको 320 रुपया तक का अर्निंग हो सकता है गारंटेड, यानी कि 320 मैक्सिमम है, इसके नीचे कुछ भी अर्निंग हो सकता है। उसका दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेविंग अकाउंट है, ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो आप कर सकते हैं, और जितना भी लीड आप यहाँ पे जनरेट करेंगे वो लीड यहाँ पे आपको देखने को मिले। जैसे मैंने यहाँ पे लीड एक जनरेट किया है, उस बंदे ने यहाँ पे लोन अभी फिलहाल नहीं लिया है तो यहाँ पे मुझे कुछ भी अर्निंग नहीं दिखा रहा है। अगर वो लोन ले लेगा तो यहाँ पे मेरा अर्निंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे होम पे, होम पे आने के बाद देखेंगे मार्केटिंग मटेरियल क्या क्या है। तो मार्केटिंग मटेरियल में यहाँ पे देखेंगे जो भी यहाँ पे दिवाली चल रहा है, जो भी फेस्टिवल चलेगा, या कोट्सों का मोटिवेशनल कोट्स लोगों को व्हाट्सएप पे लगाने का, स्टेटस लगाने का, या फिर जो अकाउंट खोलेगा कोई बंदा, यानी मान लो किसी को इसे आपको AU बैंक का सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो अकाउंट कैसे खुलेगा, डिजिटल अकाउंट तो खुल जाएगा, वो खुल लेगा लेकिन क्यों खुलेगा। तो अकाउंट खुलने का रीजन आपको यहाँ पे ये देना होगा कि 7.25% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम, जबकि नॉर्मल बैंक में अभी देखेंगे 3 या 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहाँ पे वहाँ से कहीं ना कहीं 1.5 से 2 गुना यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए बंदे को बोलिएगा कि इसलिए आप अकाउंट यहाँ पे खुलेंगे क्योंकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे आपको ATM के लिए या फिर अदर फीचर्स के लिए ज़्यादा चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। बहुत सारा बैंक होता है SMS जो भी भेजता है उसके लिए 50 पैसे 1 रुपये चार्ज करता है, या फिर ईयरली उनका इन्वॉल्वमेंट होता है कि ये साल का इतना काटेंगे SMS चार्ज के लिए। तो यहाँ पे ये सब फैसिलिटी से आप बच जाएंगे। उसको दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सेल एंड अर्न का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सेल करेंगे तो लगभग 51,230 रुपये तक का अर्निंग आप कर सकते हैं पर मंथ। कैसे करेंगे तो क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर देंगे, जब क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो जितना भी क्रेडिट कार्ड होगा जो भी बैंक इशू करती होगी वहाँ पे सारा आपको खुल जाएगा। जैसे IDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पे 0 एनुअल फीस है, ज्वाइनिंग फीस भी 0 है, यानी कि बंदा लेगा क्योंकि क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे हर एक बैंक लेती है मैक्सिमम लगभग 500 रुपये एनुअल फीस या फिर 500 रुपये ज्वाइनिंग फीस ले लेती है, लेकिन यहाँ पे 0 ज्वाइनिंग फीस है, 0 एनुअल फीस है। और यहाँ पे कमीशन आपको मिलेगा, 2200 रुपया कमीशन आपको देखने को मिलेगा। तो वैसे आप सेल आउट कर सकते हैं कि भाई आपको यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, कोई भी एनुअल चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा इस क्रेडिट कार्ड का। सिम वही कोटक लिंक प्लैटिनियम कार्ड है, आपको HDFC बैंक UPI रुपए क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पे देखेंगे HDFC UPI यानी कि इस क्रेडिट कार्ड से कोई बंदा अगर यहाँ पे HDFC बैंक UPI रुपए क्रेडिट कार्ड ले लेता है तो इससे आप UPI भी कर सकते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड से नॉर्मली UPI नहीं होता है, भाई या तो ATM जाकर आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं कार्ड बाय कार्ड। लेकिन यहाँ पे UPI का ऑप्शन देखने को मिलेगा इस कार्ड के जरिए। यहाँ पे एनुअल फीस मिनिमम है यानी 250 रुपया है, ज्वाइनिंग फीस 250 रुपया है, लेकिन ये भी देखेंगे जो आपका फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कुछ ईयरली प्लान होता है यानी कि इतने साल में अगर साल में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, इतना खर्च कर देते हैं तो आपका ये वेव ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 2% कैश पॉइंट मिलेगा,
और रिन्यूअल मेंबरशिप फी वेवर मिलेगा, यानी कि जो फी है वो वेवर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कुछ है यहाँ पे जो अमाउंट अपना इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो ज्वाइनिंग फीस यानी एनुअल फीस लगेगा वो नहीं लगेगा। इन्जॉय 50 डेज इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे जो भी UPI आप कर रहे हैं यानी आज के 10,000 रुपया तो आपको 50 दिन तक का मौका मिल रहा है 10,000 रुपया रिटर्न करने का। अगर 10,000 रुपया 50 दिन के अंदर रिटर्न करेंगे तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जरूरत के वक्त UPI के यूज़ करके आप इसे कैश यूज़ कर सकते हैं, कैश या क्रेडिट या अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा और ना ही तो आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है, कहीं से भी आप छोटा मोटा 6,000 भी लोन लेते हैं छोटे मोटे ऐप से, जैसे बड्डी ऐप हो गया या फिर ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे ऐप हैं जहाँ से आप लोन लेते हैं, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है प्लस यहाँ पे सर्विस चार्ज यानी उनका जो प्रोसेसिंग फीस होता है वो पेमेंट करना पड़ता है। एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, AU बैंक क्रेडिट कार्ड हो गया, ऐसे बहुत सारा क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसका दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे तो 4,640 रुपये तक का अर्निंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओपन करेंगे सेम वैसा ही है जो भी डीमेट अकाउंट एंजल वन बहुत चलता है, लोग काफ़ी मतलब एक्टिवली इसको फॉलो करते हैं एंजल वन में अकाउंट बनाने का। तो यहाँ पे इसको शेयर करेंगे आप 250 रुपये तक अर्निंग कर लेंगे। शेयर कैसे करना मैं वो भी बताऊँगा, फिलहाल आपको देख लीजिए प्रोडक्ट आपको क्या क्या मिलता है। पेटीएम का है, सैमको का है, आदित्य बिरला डीमेट अकाउंट है, अप्रिशिएट वेल्थ है, ग्रो है, ग्रो भी काफ़ी अच्छा चलता है, ग्रो को भी लोग काफ़ी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट लाइन है यानी कि किसी को लोन दिलवाना है, पर्सनल लोन है, यूनिक पेमेंट है, बाजाज EMI कार्ड है, JP है यानी कि EMI कार्ड होता है क्रेडिट लाइन का, EMI कार्ड आप करवा के भी कमीशन कमा सकते हैं। EMI बजाज किसी का अप्रूवल हो गया शेयर किए इस लिंक भी अगर शेयर करके यहाँ पे उनका अप्रूवल हो जाता है तो आपको 300 रुपये तक का यहाँ पे कैशबैक आपको कमीशन देखने को मिलेगा। यूनी पे बैक है, आपको लगभग 730 रुपये तक का यहाँ पे कमीशन देखने को मिलेगा। सेम वैसे अदर प्रोडक्ट के बारे में बैंक अकाउंट का है यानी अकाउंट खुलवा देगा, यानी कि अकाउंट खुलवाने के लिए तो बहुत लोग परेशान रहते हैं कि मेरा अकाउंट खोल दो। अगर आपका साइबर कैफे है तो मेरे यहाँ पे तो आता है, मेरा साइबर कैफे तो बहुत लोग आता है अकाउंट खोलते हैं, तो मैं यहाँ पे अकाउंट खोलता हूँ। अब क्या करूँगा, मैं इस ऐप से यहाँ पे शेयर कर लूँगा अपने व्हाट्सएप पे या फिर मेल में शेयर कर लूँगा लिंक, उससे ही अकाउंट ओपन करूँगा तो यहाँ से मेरा अर्निंग हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। चलो वीडियो बनाते कुछ तो अच्छा आइडिया आया कि जहाँ से अर्निंग ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे कोटक 811 का आपको सेविंग अकाउंट खोल देंगे, यहाँ पे आपको इंडसइंड सेविंग अकाउंट है, AU बैंक सेविंग अकाउंट है, आपको एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट है, यस बैंक सेविंग अकाउंट है, ये सारा जो भी अकाउंट है यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट ओपन होने वाला है। उसके दोस्तों यहाँ पे पर्सनल लोन का ऑप्शन मिलेगा, पर्सनल लोन में भी आपको 4% तक का कमीशन देखने को मिलेगा। क्रेडिट भी है यहाँ पे, किसी को भी शेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे 4% तक का कमीशन देखने को मिलेगा, यानी कि जो भी लोन वहाँ पे वो हुआ है उसका, मान लो 1,00,000 का लोन हुआ है किसी को तो 4,000 रुपया कमीशन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, यानी कि जिस भी बंदे को यानी कि किसी को भी शेयर कर दिए, जिस भी बंदे को शेयर करेंगे तो उसका क्रेडिट स्कोर एक बार चेक कर लेंगे कि क्या वो लोन अगर उनको दिया जाता है तो लोन वहाँ पे उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा तभी उनको लोन मिलेगा, क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं रहा तो लोन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आपका खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस भी बंदे को आप शेयर कर रहे हो वो उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। प्रेफर्ड पर्सनल लोन है, किश्त है, नीरा पर्सनल लोन काफ़ी अच्छा चलता है, अपवार्ड है, मनी व्यू काफ़ी अच्छा चलता है। एक्चुअली मनी व्यू से मेरा खुद का लोन है यार, लोन देना पड़ता है, EMI देना पड़ेगा, क्या यार वीडियो बनाते ये भी याद आ गया। खैर उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे इंडस्ट्रियल बैंक पर्सनल लोन है, ट्रू बैलेंस पर्सनल लोन है, ये सारा लोन एप्लीकेशन है। लोन एप्लीकेशन में आपको 3.74, 2.80, 530 रुपये तक का ऐसा करके कमीशन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड एक्सिस बैंक का है, ये सेल करेंगे तो 400 रुपये तक का कमीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से अदर देखेंगे बेस्ट ऑफ ब्रांड्स, यहाँ पे जो भी ब्रांड दिया गया है टॉप ब्रांड में आता है, यानी कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कमीशन मिलता है ये सारा काम करने में, और यहाँ पे ये जो है इसका पेमेंट काफ़ी अच्छा है। माय कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर में जाके देखेंगे जो भी कस्टमर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे उनका आपका कस्टमर का लिस्ट आ जाएगा और कितना अर्निंग करेंगे वो सारा कुछ आपको पता चलेगा। उसका दोस्तों एनालिटिक्स में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स में क्या होगा कि जितना भी लीड आपने जनरेट किया है वो यहाँ पे पता चलेगा, उसका कितना लीड सक्सेस हुआ है वो पता चलेगा, रिजेक्ट लीड कितना है वो पता चलेगा, रेफरल अर्निंग कितना है वो पता चलेगा आपको। उसका दोस्तों ये सब हो गया काम, यानी काम करके अब रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं, यानी कि इस ऐप को मान लो जैसे मैं यहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा रेफरल लिंक, अब प्लीज़ आप लोग उसी लिंक से जाकर डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखिए रेफरल लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, रेफर पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे आएगा ऑप्शन हेलो देयर हैव यू चेक्ड आउट द बैंक साथी ऐप, यू कैन अर्न अप टू ₹1,00,000 पर मंथ बाय सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट फ्रॉम ओवर 50 पॉपुलर ब्रांड्स, प्लस यू कैन अर्न अ लाइफ टाइम कमीशन ऑफ अप टू 10% ऑफ योर नेटवर्क अर्निंग बाय रेफरिंग अदर्स। मतलब मान लो कि मैंने आपको रेफर किया
और आपके जरिए से कुछ भी अर्निंग हुआ तो आपके अर्निंग का 10% यानी आपका अर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी कमी नहीं होगा, लेकिन आप जो अर्न करेंगे उसका 10% कमीशन मुझे मिलेगा। तो यार प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में उस लिंक से जाके ही इस ऐप को डाउनलोड करना और इससे काम करना। काफ़ी अच्छा ऐप है, यहाँ पे काफ़ी कमाल का ऐप है और मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, जो भी ऐप देखा हूँ तो रिव्यू पढ़ के ही देखा, रिव्यू मैंने आपको दिखाया है, आप खुद जाके प्ले स्टोर पे इसका रिव्यू देख सकते हैं कि कैसा रिव्यू इसका है और कैसा काम करता है। तो काफ़ी मुझे लगा ये काफ़ी कमाल का ऐप और मुझे लगता है इससे आपका महीने का अर्निंग ठीक ठाक हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आया होगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना। जय हिंद।